डेढ़ बजे आ गया था मैं, डेढ़ बजे आ गया था। अच्छा ठीक है, जब उठ ही गए हो तो प्लीज जाके दूध भी ले आओ ना यार। ठीक है ले आता हूँ। अबे क्या बोल रहा है बे? मैडम ने किसी को कार से उड़ा दिया? अरे तू पुलिस का मुंह देख रहा तू? हैं? मुझे आवाज में सिग्नल भेज रहा क्या? ये बता इस सिचुएशन से निकलूं कैसे मैं? करना क्या है यार, चुपचाप यहीं पड़े रहा। और बेटा ये सोच, ना मैडम ने कुछ किया है और ना ही तूने कुछ देखा है। अब रही बात पुलिस की, तो पुलिस को कौन बताएगा बे कि वो एक्सीडेंट मैडम ने किया है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, आप सो भी गए मिस्टर साजन? हाउ कैन यू डू दैट मिस्टर साजन? मैं जब से घर पर आई हूँ मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं लग रही मिस्टर साजन। पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी। मैडम जो खुद गुजर गया उस पर क्या गुजरेगी, अब तक तो लोगों ने उसे शमशान घाट भी पहुँचा दिया होगा। नो नो मिस्टर साजन, डोंट से दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। प्लीज, आई एम फीलिंग सो गिल्टी ऑलरेडी मिस्टर साजन। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ उस आदमी का चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है मिस्टर साजन, व्हाट शुड आई डू? आप टेंशन मत लीजिए मैडम, एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। शुरू में अक्सर ऐसा होता है। आप तो इसे कैजुअली बात कर रहे हैं जैसे आप रोज किसी इंसान को मारते हैं। नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम था मैडम। मैं सोच रही थी मिस्टर साजन कि हमें पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट कि मेरे हाथों ये एक्सीडेंट हो गया है। I was checking on the net, Mr. Sajan. मुझे 7 साल की सजा होगी। आप मेरे साथ थे, आपको 3-4 साल की सजा होगी। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप, किस बात की जल्दी? आपको थोड़ा रुक जाते हैं ना, एक दो दिन फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। No, Mr. Sajan. हमने गलती की है और उसकी सजा, उसकी पनिशमेंट हमें मिलनी चाहिए। मैं रेडी होके आपके घर आ रही हूँ, आप रेडी हो जाइए, हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। ओके? नहीं मैडम, आप जाइए पुलिस स्टेशन जाइए, फिर वहां से सीधा ना शमशान आ जाइएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं सुसाइड कर लूंगा। ओके? नो मिसेस साजन, नो प्लीज, ऐसा कोई भी स्टूपिड थॉट अपने दिमाग में मत लाइए। हाँ तो मैडम आप सरेंडर करने का थॉट निकाल दीजिए अपने दिमाग से, मैं ये सुसाइड का निकाल दूंगा फिर। फाइन मिस्टर साजन। क्या यार मैडम सरेंडर करने की बातें कर रही है यार? अरे यार तो इसमें गलत क्या है यार, न्याय तो होना ही चाहिए यार। हम ही रोज कहते फिरते हैं ना कि कितने मुजरिम यूं छुट्टे घूम रहे हैं, उन सब सालों को ना पकड़ पकड़ के मार मार के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। तू साले तू वाला जज बन रहा है यहाँ पे है? साले मुजरिम मुजरिम, सबसे बड़ा मुजरिम तो तू है, तेरा तो मैं सर फोड़। शाम को तो यही आएगा ना, फोड़ दूंगा तेरा सर, फिर लेना न्याय। आस्तीन का केचुआ साला। लेकिन मैडम भाई हमें इतना तो पूछना ही पड़ेगा ना कि आपका पिछला पासपोर्ट कैसे, कहाँ और कब खोया? वेल सर, अगर मुझे ये पता होता तो मैं खुद ही ढूंढ लेती, नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई क्यों करती? भाई लॉजिकली तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई हम पुलिस वालों का तो फर्ज है ना इंक्वायरी करना, वो तो निभाना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए मैडम, कहीं आपके खिलाफ जो है कोई कंप्लेन तो नहीं दर्ज है, जिसके चलते आप अपना पासपोर्ट फटाफट बनवा के विदेश भागने के चक्कर में है? कैसी बातें कर रहे हैं आप, अगर कंप्लेन होती भी तो आप ही के पास होती ना। भाई बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि आप हमसे कुछ नहीं छुपाएंगी। देखिए कानून को गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, वरना कहीं आपने ऐसा किया तो हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, मैडम की कोई गलती नहीं है, मैडम का कोई कसूर नहीं है, छोड़ दीजिए, कार मैं चला रहा था। कौन सी कार लौंडे? मैडम की कार। मिसेस साजन आप चुप रहिए। नहीं नहीं मैडम मैं चुप नहीं रहूंगा, मैडम आपके हंसने खेलने खाने के दिन है, जेल में चक्की पीसने जाने के दिन नहीं है आपके, ये इल्जाम मैं अपने सर लेता हूँ। भाई कौन सी इल्जाम की बात कर रहा है लौंडे? मिसेस साजन इस मैटर में आपको अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अड़ाऊंगा मैडम, मैं अड़ाऊंगा अपनी टांगे, मेरी टांगे ऑलरेडी अड़ी हुई है, क्योंकि उस दिन एक्सीलेटर पर मेरी टांगे थी इंस्पेक्टर साहब। मिसेस साजन आप चुप रहिए। मैडम आप चुप रहिए। हाँ भाई लौंडे तू बोल। कार सड़क पे थी, मेरा हाथ गियर पे था, अचानक से धड़ाम की आवाज हुई और वो जमीन पे मरा पड़ा था। मर्डर कार।
मेरी गलती है, ये तो बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता था कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। कानून के हाथ से ज्यादा लंबी आपकी जुबान है मिस्टर साजन। ये यहाँ नए पासपोर्ट के इंक्वायरी के लिए आए थे, नॉट फॉर द एक्सीडेंट। मतलब मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पे दे मारा? यस, कांग्रेचुलेशन। हाँ भाई लौंडे, और अब मैं मारूंगा लट। कत्ल करके भागने की कोशिश करता है ना तू, चला वाला आदमी, अब तुझे मैं भगा भगा के मारूंगा। भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल। वो तो घर पे है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, तेरे घर वालों से आखिरी सलाम भी हो जाएगा, क्योंकि अब तू 7 साल के लिए अंदर जाने वाला है और 7 साल मेरी मालिश होगी। तो क्या है ना, बहुत अच्छा रहेगा कि तुम मिलते हुए सबसे जाएगा। चल घर चल। मैडम आप भाई अपने कार की चाबी हमें दे दो, क्योंकि एक्सीडेंट व्हीकल वही है ना, तो हमें उसे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। लाइए चाबी दीजिए। चल भाई लौंडे आ जा। मैडम मुझे बचा। आ जा आ जा आ जा। मैडम मुझे बचा। आ जा मैडम। मम्मी कल माता की चौकी में 551 रुपए चढ़ाए हैं और माता जी से कहा है सारे दुख दर्द दूर कर दो। संजू तुम पुलिस के साथ? नहीं कुछ नहीं बेबी, बस ऐसी थोड़ी बहुत पूछताछ करने आए इंस्पेक्टर साहब। अरे मेरे दामाद के पकड़े गए झूठ, जरा पूछे रे मेरे दामाद से, अगर सिर्फ पूछताछ के लिए इन्होंने से पकड़ा है तो इन्होंने से कॉलर से क्यों पकड़ा? भाई दीदी वाह, नजरें तो आप भी कमाल की चलाती हो। दरअसल क्या है कि इस लौंडे की वजह से एक आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। जान तो नवाब साहब निकाल देते थे। मतलब संजू जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मर गया? मैंने तुमसे कहा था ना शराब पीकर मत जाना, लेकिन तुम फिर भी गए ना, अब जाओ जेल। अच्छा बेटा, तेरी बीवी ने मना किया उसके बावजूद जानबूझकर तूने नशे में ये कांड किया, अब तू बेटा लंबा जाएगा। थैंक यू बेबी। जिसकी तुम्हारे जैसी बीवी हो ना, उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम साबित करने के लिए किसी गवाह किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लौंडे मुझे जरूरत पड़ेगी तेरी ड्राइविंग लाइसेंस। मैडम आप जरा इसका लाइसेंस लेकर आओ। लौंडे अब तेरा कार का लाइसेंस मैं रद्द करूंगा। नहीं कर सकते रद्द, क्योंकि इसके पास तो कार का ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, इसके पास तो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस है। वाह रे लौंडे वाह, अब तो तुझे मैं डायरेक्ट हवाई जहाज का लाइसेंस दूंगा, वो भी उड़ा उड़ा के। उड़ाते तो नवाब साहब थे। इंस्पेक्टर साहब ये लीजिए इनका लाइसेंस। संजू तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे से अच्छा वकील करूंगी सच में। जल्दी करना बेबी, अब तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। भाई हैंडसम हमारी उम्मीदों में तो खरा उतरेगा ना, आओ उम्मीद पूरी करते हैं। चल चल बेबी मुझे बचा ले रहे हैं। चल मम्मी ये क्या हो गया? होना क्या है, माता रानी ने तेरी 551 वाली अरदास सुन ली, हमारे सारे दुख दर्द दूर चले गए। माता रानी की जय। ये इंस्पेक्टर में भी नवाबों वाली बात है ना? मिस्टर साजन, मिस्टर साजन स्टॉप इट। वाओ मिस्टर साजन अमेजिंग, यहाँ मैं आपके लिए इतना टेंशन ले रही हूँ और आप आराम से यहाँ कंबल डाल के सो रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, कंबल तो इंस्पेक्टर साहब ने आते ही मुझ पे डाल दिया था, उसके बाद ऐसी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की है कि मत पूछिए, ऐसी ऐसी जगह मारा है ना मैडम जहाँ पे मारना बॉक्सिंग में फाउल प्ले माना जाता है। फाउल प्ले?
I'm sorry, Mr. Sajjan. I'm really sorry for what you're going through. जैसे ही इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगी, okay? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना वरना तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। तो मर जा! जाके कर ले गुनाह कबूल तू। कह दे इंस्पेक्टर साहब से कि गाड़ी तू चला रहा था। अरे नहीं सर, क्या है कि मेरे ऊपर संजना बिटिया की जिम्मेदारी है और आपके जल जाने के बाद आपकी सास की आस भी तो मेरे ऊपर टिकेगी। सर आप बेफिक्र होकर के जाइए, आपके जाने के बाद आपके घर में आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगा। तो लेमन जूस ले। चुप्पे लौंडे। इस पुलिस स्टेशन के अंदर यहां पर ऑर्डर सिर्फ इंस्पेक्टर रंपत देता है। तुम सिर्फ बयान दो कि एक्सीडेंट कब, कैसे और कहां हुआ। नो नो सर, मिस्टर साजन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। गाड़ी मैं चला रही थी, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। भाई हवलदार नैन सिंह, ये हिट एंड रन केस की जो कार है ये तो नया मोड़ ले रही है। ऐसा कर, मैडम का नाम लिख दे। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि संजना मिटिया झूठ बोल रही है। एक्चुअली ये कार मैं चला रहा था। पापा, you don't have to do this, पापा. No, no, no. आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आप मेरी बात सुनिए, मैं गाड़ी चला रही थी, it was me. तो मतलब कहने का मतलब ये है मैडम कि आप अपने पूरे होशो आवाज में ये बात कबूल करती हैं कि एक्सीडेंट आपने किया है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैडम ना झूठ बोल रही है। दरअसल गाड़ी ये छेदी चला रहा था, आप इसको अरेस्ट कीजिए। नहीं 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 सर, ये साजन सर झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली साजन सर गाड़ी चला रहे थे, है ना। नो नो नो, मैं कह रही हूं ना, मैं कह रही हूं गाड़ी मैं चला रही थी, मैं मेरी वजह से ये सब कुछ। नहीं नहीं छेदी चला रहा था गाड़ी, साजन सर चला रहे थे। छेदी चला रहा था, बोलो ना, छेदी चला रहा था, ये छेदी चला रहा था गाड़ी। कार मैं चला रहा था। अच्छा हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब ने कबूल कर लिया कि कार ये चला रहे थे। हमको छोड़ दो, इनको अरेस्ट कर लो। संपत, यू आर अंडर अरेस्ट। चुप। सॉरी सर। और लौंडे, अपने आप को बहुत शातिर अपराधी समझता है ना, ये देख तेरा मोबाइल। और इस मोबाइल के अंदर लाश की फोटो मिली है बेटा। अब तो ये जो है मेरे पास में है। क्या है कि हमारे भी जो हाथ कानून से बंधे हैं और कानून अपनी जांच पड़ताल पूरी करता है। अब तू देख, अब ये केस मैं इंस्पेक्टर रंपत अपनी स्टाइल में सॉल्व करूंगा, मौका है वारदात पे जाके। सेम टाइम सेम जगह, आज रात को, समझा। हाँ भाई लौंडे, तो यही वो मर्डर स्पॉट है। तो ये बताओ, इसी वक्त के आसपास कांड हुआ था? यस सर, और वो गठरी जो है वो यही पीछे पड़ी थी। तो भाई लौंडे, अब ये बता कि लाश किधर थी, तू किधर था? लाश यहाँ थी और मैं अपने घर पे था, क्योंकि एक्सीडेंट छेदी ने किया, ये गाड़ी चला रहा था। सर अगर मिस्टर साजन घर पर थे तो उनको कैसे पता कि लाश यहाँ पर थी? केस आईने की तरह एकदम साफ है कि ये एक्सीडेंट मिस्टर साजन ने ही किया। सर प्लीज, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट मेरे वजह से हुआ। मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ कि हम यहाँ तक पहुंचे, तब अचानक मुझे लगा कि सामने से कुछ गुजरा, इसलिए मैंने ब्रेक लगाया। मैं और मिस्टर साजन घबरा कर गाड़ी से ऐसे बाहर निकले। हम जब बाहर निकले, मतलब सेम टू सेम जैसे अभी पड़ा है। ऐसा कह सकते हैं। लौंडे अगर ये वही लाश है, तुम दोनों को 7 साल की सजा होगी, ये भी कह सकते हैं। सर कुछ ले देकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7 साल की सजा दोनों को, उसकी जगह 14 साल की सजा एक साथ साजन सर को हो जाए और मेरी बच्ची बच्चाए। चाचा ये भी हो सकता है कि एक पुलिस वाले को आप रिश्वत दे रहे हो ना, उसके इल्जाम में मैं 7 साल के लिए आपको अंदर भेज देता हूँ। मैं अपना प्रपोजल वापस लेता हूँ। गुड भाई लौंडे, अगर ये वही लाश निकली तो फिर समझ लो तुम। नहीं, क्या समझ लो सर? लौंडे तुम और मैडम तो दोनों गए, ये वही लाश है जिसकी फोटो तुम्हारी मोबाइल में है। माय गॉड, मिस्टर साहब।
बैटरी बैटरी खत्म मैडम ये तो जिंदा है। आई कैन सी दैट मिस्टर साजन, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये यहाँ है तो कल हमारे गाड़ी से कौन टकराया था? ए लल्लन ससुर के नाती, आज फिर हमार गठी से तू फुटबॉल खेला। ओ बड़ो बड़ो, इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ भाई, क्या ड्रामा है भाई, ये सब क्या चक्कर है? अरे साहब क्या बताएं, हमार बचपन लल्लन रोज लात मार के गठरी को फुटबॉल की तरह उड़ा देते हैं। अरे बड़ी गंदी आदत है उसकी। हाँ जैसे नशेड़ी को यहाँ रोजना सोने की आदत है। अच्छा राम जी भाई सुना लिया कहानी कांड, ये गठरी उठाओ निकलो निकलो। इसका मतलब कल हमारी गाड़ी से भी ये गठरी आके टकराई थी और हम खामखा सोच रहे थे कि हमने इस आदमी को उड़ा दिया। हम नहीं मिस्टर साजन, आप ऐसा समझ रहे थे, तभी मैं आपसे बार बार कह रही थी मिस्टर साजन दैट चेक हिज नर्व्स, इसके हार्ट बीट चेक कीजिए, लेकिन आप तो बस पुलिस का नाम सुनते ही भाग गए यहां से। भाई लौंडे, कम से कम हमसे डरने की तो जरूरत नहीं है भाई, हम तो तुम्हारे आशिक है। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी मालिश के। चलो भाई केस तो हमने सॉल्व कर दिया, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अब्बा सर मेरा एक पर्सनल केस है, एक मिनट जरा मुझे आपसे उसके बारे में बात करनी है। एक मिनट आइए सुनिए मैं। ओह गॉड, थैंक गॉड सो मच मिस्टर साजन, वी आर फाइनली गिल्ट फ्री, स्माइल, कम ऑन। तो अब क्या ख्याल है? ख्याल क्या है मैडम, घर जाके आराम से चैन की नींद सोऊंगा मैं अब बस। व्हाट, हाउ बोरिंग मिस्टर साजन, कम ऑन, इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग, इट्स टाइम टू गो फॉर अ वाइल्ड पार्टी। ऑटो ऑटो ऑटो। चले इस बसर से जान छूटी, अब आराम से चादर तान के सोऊंगा। संजू तुम जेल से छूटकर आ गए? हाँ मैं आ गया बेबी, पता है वो आदमी मरा ही नहीं था, नशे में था वो। हमारी गाड़ी से ना एक कपड़ों की गठरी आके टकराई थी, इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया, मैं बेगुनाह निकला बेबी। ओ दादी आप इतनी सुबह सुबह आ गई? आना पड़ा, मुझे लगा पुलिस तुझे सजा देगी, लेकिन तू वहां से छूटकर भाग गया। तो मेरी कोई गलती नहीं थी ना दादी। तू मेरी पोती से झूठ बोलकर लेट नाइट वाइल्ड पार्टी करने गया था है? मैं कसम खा के कहता हूँ दादी, मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं गया था, मैडम मुझे जबरदस्ती लेके गई थी, मैं मजबूर था दादी। तूने मजबूरी में गुलछर्रे उड़ाए, अब देख मैं तुझे कैसे उड़ाता।